प्यारे विद्यार्थियों, आज के टॉपिक के अंदर अपन जलवायु कारकों के अंतर्गत स्थलाकृतिक कारकों का अध्ययन करेंगे। क्योंकि अपन जानते हैं कि पृथ्वी का भौतिक स्वरूप है वो एक समान नहीं होता है, और ये टोपोग्राफिक फैक्टर्स फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ अर्थ के कारण जो इरेगुलरिटीज आती है अर्थ के ऊपर, और वो इरेगुलरिटी या अनियमितता जो है वो माउंटेन्स के रूप में, पर्वतमालाएं, छोटे छोटे हिल्स हैं या हिलॉक्स या वैली जो है, घाटियां, पठार, पर्वतमालाएं, मैदानी भाग, मरुस्थल, सभी जगह ये अनियमितताओं का जो स्वरूप है इसे अपन फिजियोग्राफी या फिर टोपोग्राफी कहते हैं। तो इन सभी के अंदर जो वेरिएशन आ रहा है उनके कारण एक अर्थ के एक कॉमन क्लाइमेटिक जोन के अंदर भी छोटे छोटे माइक्रो क्लाइमेट्स बनते हैं। ये वर्ड आता है माइक्रो क्लाइमेट, जिसे सूक्ष्म लघु जलवायु क्षेत्र कहते हैं। तो ये आपके माउंटेन वैलीज है या घाटियां हैं उसमें जो डिफरेंस आ रहा है, और ये वेरिएशन किस कारण से आ रहा है कि टोपोग्राफी में इरेगुलरिटीज के कारण सोलर रेडिएशन का इंटेंसिटी जो है, इसके अलावा टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन आएगा, विंड वेलोसिटी अलग अलग रहेगी, ह्यूमिडिटी का डिफरेंस आएगा एल्टीट्यूड के साथ, और इसके अलावा रेनफॉल जो मेजर फैक्टर हैं। तो इन सभी के कारण वहाँ लोकल क्लाइमेट है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं और उसको अकॉर्डिंग ही वेजिटेशन का डेवलपमेंट होता है। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी के कारण जो वेरिएशन आते हैं उसे अपन टोपोग्राफिक फैक्टर के रूप में स्टडी करते हैं। अब जो टोपोग्राफिक फैक्टर जो है, अपन इससे पहले पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी पे जो जलवायु जो है क्लाइमेट वो चीफली डिटरमाइन करती है कि वहाँ का टेम्परेचर कितना है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना है, सोलर लाइट इंटेंसिटी कितनी है, इसके अलावा विंड वेलोसिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल कितना है, ये सारे इस पर डिपेंड करता है। अब अपन इनके फैक्टर जो चिप टोपोग्राफिक फैक्टर है उसको चार भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है हाइट ऑफ माउंटेन चेन्स, यानी पर्वतमाला की ऊंचाई क्या है। इससे पहले अपन जो है ये जानते हैं कि समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई होती है वर्टिकल हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब होता है, एल्टीट्यूड इज हाइट अबाउट सी लेवल। समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है उसे अपन एल्टीट्यूड कहते हैं, और चूंकि पूरे पृथ्वी पे समुद्र तल एक समान होता है इसलिए पृथ्वी पर किसी भी भौतिक स्वरूप है उसकी जो एल्टीट्यूड है वो समुद्र लेवल से उसका मेजरमेंट किया जाता है। तो हाइट ऑफ माउंटेन चेन्स जो है वो किस प्रकार से वरी करते हैं, इसके अंदर जैसे अपन उदाहरण दे रहे हैं कि जितने भी माउंटेन्स हिल्स वगैरह जो भी हैं इनकी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो टेम्परेचर और रेनफॉल, मॉइस्चर इन सभी पे चेंजेज आ रहा है, जिसके कारण उनके अंदर अलग अलग प्रकार की है वो वेजिटेशन है वो डेवलप होती है। तो ये जैसे कि आप इसका उदाहरण अपन लेते हैं, देखिए चेंजेस इन वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एल्टीट्यूड के कारण जिन वैल्यूज में चेंजेज आ रहा है उसमें टेम्परेचर है, प्रेशर है, विंड वेलोसिटी है, पवन का वेग है, मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी के रूप में, इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन है, इन सभी का वेरिएशन आएगा। और चाहे वो अपन वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं, हिमालयन रीजन की बात करते हैं, या अरावली माउंटेन रेंज की बात करते हैं, इन सभी के अंदर जो जो ऊंचाई के साथ साथ हैं उनके अंदर सभी वेरिएशन आएगा। इसका अपन बेस्ट जो एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर हिमालयन वेजिटेशन का स्टडी करते हैं तो हाइट के अनुसार जो वेस्टर्न हिमालयाज है इसका एल्टीट्यूड जो है वो ज़्यादा है ईस्टर्न हिमालयाज की तुलना में। तो इन दोनों हाइट के कारण अगर अपन एवरेज रेनफॉल की बात करते हैं तो ईस्टर्न हिमालयाज के अंदर हैवी रेनफॉल होता है, लग्जूरियंट रेनफॉल हो रहा है, और उसकी तुलना में वेस्टर्न हिमालयाज जो है उसका एल्टीट्यूड हाई होने के कारण वहाँ पे उसकी तुलना में रेनफॉल कम होता है, परंतु विंटर के अंदर स्नोफॉल भी होता है। तो इसके कारण वेस्टर्न हिमालयाज में ज़्यादातर जो वेजिटेशन है वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट के रूप में है, जबकि ईस्टर्न हिमालयाज की वेजिटेशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के रूप में पाई जाती है, जिसमें ऑर्किड्स है, बेम्बू है और अलग अलग प्रकार के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की स्पीसीज है वो ज़्यादा होती है। तो ये एग्जाम्पल अपन लेके उसको अपन देख सकते हैं। तो ये सबसे पहला जो है वो हाइट ऑफ माउंटेन चेन्स के कारण किस प्रकार से
टोपोग्राफी प्रभावित करती है। सेकंड है डायरेक्शन ऑफ माउंटेन एंड वैलीज, पर्वतमाला है कोई पर्वतमाला उसका डायरेक्शन क्या है, और पर्वतमाला हो या घाटियाँ जो भी हैं, अपन जब अपने देश के अंदर घाटियों की बात करते हैं जैसे कि कुल्लू है, मनाली है, लाहौल स्पीति है, अलग अलग प्रकार की जो घाटियाँ जो हैं, इन सभी घाटियों के अंदर उनकी डायरेक्शंस क्या हैं और मॉनसून विंड्स कहाँ से आती है, दूसरे प्रकार की पवनें कहाँ से आ रही है वो उससे प्रभावित होता है। तो डायरेक्शन ऑफ माउंटेन वैलीज, अपने राजस्थान के अंदर जब अपन अरावली पर्वतमाला की बात करते हैं तो इनका दक्षिण पूर्व से लगाकर उत्तर पश्चिम की तरफ उसका डायरेक्शन है, और जब साउथ वेस्ट मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है तो जो अपना उत्तरी पूर्वी भाग है राजस्थान का या दक्षिण पूर्वी, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है जहाँ से मानसून प्रवेश करता है और वहाँ पे भारी वर्षा होती है, लेकिन जैसे ही वो मानसून पश्चिमी राजस्थान में प्रवेश करता है तो अरावली जो पर्वतमाला है इनका इस प्रकार डायरेक्शन है कि एक बैरियर की तरह काम करती है, जिसके कारण उनकी जो अपोजिट साइड है वहाँ पूर्व वेजिटेशन डेवलप होती है। तो ऐसा वैसा अगर अपन हिमालयन वेजिटेशन की बात करते हैं तो हिमालयन को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, आउटर हिमालय जो अपने कंट्री साइड का है, जो साउथ वाला हिमालय है वो आउटर हिमालय, इसके बाद मिडल हिमालय और फिर इनर हिमालय चाइना और इधर साइड का। तो जैसे ही साउथ वेस्ट मानसून की बंगाल बे ऑफ बंगाल की जो विंड्स है साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू हिमालयन से टकराता है मोस्ट एयर, तो वहाँ पे जो आउटर हिमालय है वहाँ पे हैवी रेनफॉल हो रहा है और वहाँ पे लग्जूरियंट वेजिटेशन पाई जाती है, जबकि इनर और आउटर हिमालय जो वहाँ पे पूर वेजिटेशन है वो पाई जाती है या ड्राई कंडीशन रहती है स्नोफॉल वगैरह। तो ये उसके डायरेक्शन के ऊपर है। इसी प्रकार वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं, साउथ वेस्ट मानसून जब पहले बार केरला स्टेट में आता है और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता है साउथ वेस्टर्न घाट्स जो है वहाँ पे एक बैरियर के कारण उनका इस प्रकार से डायरेक्शन है कि जो साउथ वेस्ट मानसून की जो दिशा है उसके लगभग परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन है वेस्टर्न घाट्स के, जिसके कारण वहाँ हैवी रेनफॉल होता है और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट देखने को मिलता है। जबकि अगर ईस्टर्न घाट्स की बात करते हैं जहाँ पे नदियों के ज़्यादातर डेल्टा है वहाँ पे पूर्व वेजिटेशन देखने को मिलती है। तो देखिए ये एक माउंटेन बैरियर के रूप में अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, और जैसे ओशन है वहाँ पे जब इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है और ये मोस्ट एयर मूव करती है तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, इसके बाद रेनफॉल होता है, और जैसे ही ये मोस्ट एयर किसी बैरियर से टकराती है, ये बैरियर का काम करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मोस्ट एयर ऊपर उठती है ठंडी होकर हैवी रेनफॉल करती है, तो यहाँ पे क्या है लग्जूरियंट फॉरेस्ट आपको वेजिटेशन दिखेगी, जबकि उसके अपोजिट साइड है यहाँ पे पूर वेजिटेशन को देखा जा सकता है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि एक ही माउंटेन में दो अलग अलग जो साइड है उसमें वेजिटेशन का डिफरेंस है क्यों आता है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट थर्ड है स्टिफनेस ऑफ स्टिफनेस। अच्छा एक इसके अंदर जो डायरेक्शन ऑफ माउंटेन वैली है इसमें एक लोकल एयर सर्कुलेशन और होता है कि जब मोस्ट एयर टकराती है तो हाइट के कारण जो अलग अलग डायरेक्शन और हाइट के कारण जो है वो एयर का सर्कुलेशन होता है। मोस्टली डे टाइम में जो वार्म एयर है वो अपवर्ड उसका मूवमेंट होता है और नाइट के अंदर डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, तो उसके कारण एक लोकल सर्कुलेशन के कारण भी क्लाइमेट में चेंजेज आते हैं। नेक्स्ट है स्टिफनेस ऑफ सोलर, यानी कि जो ढलान होता है उसका आकृति कैसी है, वो कितनी खड़ी ढलान है या उसका मोर स्टिफ है स्लोप या लेस स्टिफ है। तो जैसे कि अपन स्टिफनेस की बात करते हैं, ये देखिए ये दो डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है, यहाँ पे ये कोई माउंटेन वैली है और ये उसकी माउंटेन वैली ये घाटी है और एक इधर पहाड़ी भाग है और एक इधर है, इधर वाला जो डायरेक्शन है ये सनलाइट इनको दोनों साइड से मिलती है, नॉर्थ में एक माउंटेन है एक आपके साउथ में, लेकिन साउथ वाला की हाइट ज्यादा है, और देखिए यहाँ पे जो इसका इधर वाला जो ढलान है जहाँ सन से एक्सपोजर हो रहा है वो आपके मोर स्टीप स्लोप है, जबकि इधर नॉर्थ वाला लेस स्टीप स्लोप है। तो इधर जो है इन दोनों के अंदर आपके हीटिंग एक्शन और रेनफॉल का वेरिएशन आएगा, जिसके कारण इसमें वेजिटेशन का डेवलपमेंट अलग अलग होगा। जो मोर स्टीप स्लोप होगा वहाँ पे हैवी रेनफॉल के कारण वहाँ पे जो वाटर का एक्युमुलेशन होगा तो वो उसका डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा, यानी सॉइल का इरोजन हो जाएगा और वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन नहीं बन पाएगा बराबर, जिसके कारण पूर्व वेजिटेशन देखने को मिलती है। उसके अगेंस्ट में जो साइड जिसमें लेस स्टिप स्लोप है वहाँ पे वेजिटेशन है वो क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस का एक्युमुलेशन ज़्यादा होगा, इसके कारण वो वेजिटेशन है वो अच्छी इसमें डेवलप होती है। तो नॉर्दर्न स्लोप में जहाँ पे प्रोटेक्टेड फ्रॉम सन है, तो नॉर्दर्न स्लोप है प्रोटेक्टेड फ्रॉम सन है क्योंकि यहाँ पे
देखिए सनलाइट थोड़ी तिरछी है और जो यहाँ पे जो सदर पार्ट है इसमें स्टिफनेस ज्यादा है। इसको एक चीज अपन जब अपन भूमध्य रेखा से पोल्स की तरफ जाते हैं, भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की अपन तरफ मूव करते हैं तो एंगुलर डिस्टेंस बढ़ता है। अब इसमें देखिए कि जो पोल्स वाली जो साइड है वो नॉर्थ साइड है, उसको अपन नॉर्थ स्लोप कहेंगे, और जो इक्वेटर वाली साइड है उसको अपन सदर्न स्लोप कहेंगे। तो सनलाइट जो है वो आपके सदर्न स्लोप पे सनलाइट ज्यादा गिरेगी, हीटिंग एक्शन ज्यादा होगा, और नॉर्दर्न स्लोप पे कम गिरती है। इसलिए नॉर्दर्न स्लोप जो है नॉर्दर्न स्लॉप है वो प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट होगा, यानी तिरछे किरने गिरेगी या तो मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम में या पर्टिकुलर समर के अंदर, जबकि सदर्न स्लॉप है वो पूरे डे टाइम में उसके एक्सपोज रहता है। तो नॉर्दर्न स्लॉप प्रोटेक्टेड फ्रॉम सन विच सपोर्ट्स वर्जिन फॉरेस्ट, वहाँ पे वर्जिन डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं जहाँ पे कुछ हाइड्रोफ्यूजस टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है, वेयर एज सदर्न स्लॉप हीटेड बाई सन एक्शन है। इसके बाद में लास्ट जो है एक इसमें स्टिफनेस ऑफ स्लॉप के अंदर जो अपने बात की है कि स्पीड ऑफ वाटर फ्लो जो है अगर मोर स्टिफ स्लॉप होगा तो वाटर फ्लो बढ़ जाएगा, सॉइल इरोजन भी ज्यादा होगा, डिपोजिशन ऑफ सिल्ट के लिए और इसके कारण मोर स्टिफ स्लॉप के कारण सिल्ट और जो क्ले है वो डाउनवर्ड मूवमेंट होने के बाद फिर वो पानी स्ट्रीम या रिवर के थ्रू ओशन या बे में गिरता है, उसके माउथ पे वहाँ पे इस सिल्ट या क्ले का डिपोजिशन होता है, वाटर लॉग्ड कंडीशन होती है और वहाँ पे विशेष प्रकार के इकोसिस्टम या वेजिटेशन डेवलप होती है। और सबसे लास्ट में एक्सपोजर ऑफ स्लॉप की बात करते हैं कि जो कोई भी ढलान जो है वो सनलाइट के प्रति कितना एक्सपोज होता है। इसको अपन बहुत ही सिंपल एग्जांपल की तरफ अपन माउंट आबू की बात करते हैं, हम लोग वहाँ विजिट करते हैं तो माउंट आबू के अंदर जो उसका सदर्न जो स्लॉप है माउंट आबू वाले का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे सनलाइट का एक्सपोजर ज़्यादा रहता है और जो नॉर्दर्न साइड है नॉर्दर्न या ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे कम रहता है। इसलिए उन दोनों के अंदर भी आपको वेजिटेशन का डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा, जो उसका सदर्न पार्ट है वो एक्सपोज भी ज़्यादा रहता है और वहाँ की स्टिफनेस है वो बहुत ही कम है, जबकि नॉर्दर्न पार्ट की स्टिफनेस ज़्यादा है और एक्सपोजर कम रहता है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की वेजिटेशन है वो देखने को मिलती है। एक्सपोजर ऑफ स्लॉप में ढलान का कितना ओपननेस है, एक्सपोजर ऑफ स्लॉप टू सन एंड विंड इफेक्ट, जब कोई भी स्लॉप है माउंटेन या वेलीज का एक्सपोज होगा तो वो दो आर्टिकल से एक्सपोज होगा, एक तो सन ले रेडिएशन से उसको ज्यादा मिलेगी और एक विंड इफेक्ट्स। तो जो स्लॉप एक्सपोज हो रहा है अगर मान लो विंड का डायरेक्शन भी उसकी और ही है तो विंड वेलोसिटी में तीव्रता के कारण भी उसमें वेजिटेशन का वेरिएशन आता है। तो इफेक्ट वेरी 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 मच द काइंड्स ऑफ प्लांट ग्रोइंग हियर, तो वहाँ पे जो वनस्पति है उसमें काफ़ी चेंजेज आ रहा है। इसी एक्सपोजर ऑफ स्लॉप को एक अपन जब नॉर्दर्न कंट्रीज के अंदर यूरोपियन कंट्रीज और वहाँ पे देखो वहाँ ग्रीन हाउस का एक कॉन्सेप्ट चलता है और जब ग्रीन हाउस को डेवलप किया जाता है तो ग्रीन हाउस के अंदर भी प्लांट को जो रेडिएशन ज़्यादा चाहिए वो ज़्यादातर साउथ सदर्न साइड में रखी जाती है, उसका साइट है वो सदर्न साइड होती है जिससे कि ज़्यादा सनलाइट को अचीव किया जाता है। तो वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट है वो अपन को देखा जा सकता है। और ये जो देखिए रिएक्शन ऑफ द एंगल ऑफ सोलर रेज क्या है, एक जो सोलर रेज आ रही है रेडिएशन उसका एंगल क्या है, अगर वो डायरेक्ट हीटिंग एक्शन हो रहा है तो 0.50 टाइप वेजिटेशन डेवलप होगी, ड्राइनेस होगा क्लियर, और थोड़ा सा अगर तिरछी वेजिटेशन है तो वहाँ पे आपके क्या होगा लग्जूरियट फॉरेस्ट थिक फॉरेस्ट डेवलप होगी, वो अपन इक्वेटर से देख सकते हैं कि इक्वेटर के आसपास या कैसे वेजिटेशन पाई जाती है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट टॉपोग्राफिक फैक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको अलग अलग डायग्राम के साथ में इसको एक्सप्लेन किया जाता है और इसमें चार मेन इफेक्ट्स हैं, हाइट ऑफ माउंटेन चेंज किया और डायरेक्शन ऑफ माउंटेन रिलीज है और स्टिफनेस ऑफ स्लॉप एंड एक्सपोजर ऑफ स्लॉप। थैंक यू।